अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा है। आजकल जो हमारा मौसम चल रहा है, डलका मारा इस मौसम की दवाई है। जब दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं तो ये डलका मारा का मौसम आ जाता है। एकोनाइट के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है तो हमारी जो मेडिसिन है वो एकोनाइट होती है। और इसी तरह डलका मारा हमारी मेडिसिन है, इसमें दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, मौसम तब्दील हो रहा होता है और पेशेंट जो है गर्म सर्द होने की वजह से जो तकलीफ़ उठाता है वो सारी की सारी डलका मारा में आती हैं। मैंने आपको पेट्रोलियम के हवाले से बताया था कि पेट्रोलियम का पेशेंट जो है सर्दी से नुकसान उठाता है, तो डलका मारा को अगर आपने याद करना है, अगर आपने डलका मारा को समझना है, अगर आपने क्लिनिकली डलका मारा को इस्तेमाल करना है तो आपको डलका मारा के हवाले से सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम को याद करना है। उस एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम को आप मरीज़ की किसी भी इलामत के साथ अगर पाते हैं, फिट करते हैं, तो वहाँ आप डलका मारा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। मर्ज़ कोई भी हो, चाहे वो बुखार है, चाहे वो नज़ला है, ज़ुकाम है, गले पड़ना है, जोरों के दर्द हैं, कमर के दर्द हैं, गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ हैं, इसके अलावा आप कह लीजिए कुलंजी दर्द पाए जा रहे हैं, पेचिश पाई जा रही है, हाथों में दर्द आ रहा है, कोहनियों में दर्द आ रहा है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, कहीं पे भी आपको दर्द आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम पाया जा रहा है कि तमाम की तमाम इलामात सर्द मरतूब मौसम में बढ़ जाती हैं, तो वहाँ जो पहले नंबर में मेडिसन आती है वो डलका मारा आती है। सर्द मरतूब मौसम वो मौसम होता है जो ठंडा मौसम होता है। याद रखिए, सर्दी दो तरह की होती है, एक खुश्क सर्दी होती है, एक मरतूब होती है। खुश्क सर्दी वो होती है जिसमें बारिशें नहीं होती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम में बताया था कि पेशेंट की जिल्द जो है उन ठंडी हवाओं से फटना शुरू हो जाती है और उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, लेकिन डलका मारा का पेशेंट जो है वो जिस मौसम से तकलीफ़ उठाता है वो मौसम है सर्दी का जिसमें साथ में बारिशें होती हैं। सर्दी के मौसम में जब बारिश होती है तो खुश्क सर्दी चली जाती है और उसकी जगह मौसम में नमी आ जाती है या मौसम मरतूबियत में चला जाता है। लिहाजा डलका मारा के जो पेशेंट हैं उनको कोई भी मर्ज पाया जा रहा है, उनकी तमाम की तमाम इलामात जो हैं सर्द मरतूब मौसम में बढ़ जाती हैं। आगे जैसे कि आने वाला मौसम है हमारा, सर्दियों का मौसम जो हमारा आ रहा है, जब बारिशें होना शुरू हो जाएंगी तो ये डलका मारा का मौसम होगा। अभी मैंने आपको इसलिए कहा कि ये डलका मारा का मौसम है कि डलका मारा का करैक्टरिस्टिक है कि अगर पेशेंट गर्म से सर्द हो जाए, पेशेंट गर्म माहौल से निकलकर सर्द माहौल में आ जाए, तो जो भी इलामात सामने आएंगी वो डलका मारा की हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। वो लोग जो वॉक करते हैं या वो लोग जो योगा करते हैं या वो लोग जो वॉक के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जब वो घर से निकलते हैं तो मौसम इतना सर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो किसी ओपन ग्राउंड में पहुंचते हैं वॉक करने के लिए या आप कह लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए, तो एकदम मौसम जो है वो घर के मौसम से बदल जाता है। वो गर्म से निकलकर ठंडे माहौल में आ जाते हैं और गर्म सर्द होने की वजह से उनको कोई भी तकलीफ़ आ रही है, चाहे उनकी कमर अकर रही है, चाहे उनके कंधे अकर रहे हैं, चाहे उनके जोड़ों में दर्द पाई जा रही है, वहाँ पर आपकी जो मेडिसिन है वो डलका मारा है। तो डलका मारा सर्द मरतूब मौसम की दवाई है। तमाम की तमाम इलामात सर्द मरतूब मौसम में बढ़ जाती हैं और गर्म मौसम में पेशेंट की इलामात में कमी आना शुरू हो जाती है, पेशेंट अपने आप को पुरसकून महसूस करना शुरू कर देता है। तो इस मेडिसिन को याद रखने के लिए आपको यही एक मेन सिम्टम याद रखना है कि सर्द मरतूब मौसम में तमाम की तमाम इलामात का बढ़ जाना डलका मारा को कॉल करता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको कहा कि गर्म मौसम से एकदम सर्द मौसम में चला जाना,
जैसे कि वो लोग जो बर्फ़ के कारखाने में काम करते हैं या वो लोग जो आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, आप देखिए वो अगर बाहर एक नॉर्मल माहौल है, गर्मी का माहौल है, लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ के कारखाने में एंट्री देते हैं या वो आइसक्रीम बनाने वाले कारखानों में जाते हैं तो दर्जा हरारत एकदम चेंज हो जाता है, गर्म से एकदम वो सर्द में चले जाते हैं। तो गर्म से सर्द में जाना भी डलका मारा को कॉल करता है कि गर्म से सर्द हो जाने की वजह से जो भी इलामत आपके सामने आती हैं वो डलका मारा के दायरे में आती हैं। यही वजह है कि बर्फ़ के कारखाने में काम करने वाले और आइसक्रीम की फैक्ट्रियों में कारखाने में काम करने वालों की दवाई जो है वो डलका मारा है। गर्म सर्द हो जाने की वजह से अगर कॉलिक यानी कोलंजी दर्द शुरू हो जाए या पेचिश लग जाए तो उस सूरत में भी हम डलका मारा का इस्तेमाल करते हैं। डलका मारा की एक और खसूसियत है, बिल्कुल रोस्टॉक्स की तरह, आपको पता है कि रोस्टॉक्स का करैक्टरिस्टिक है कि रोस्टॉक्स के पेशेंट आराम की हालत में तकलीफ़ उठाते हैं, जैसे जैसे हरकत करते हैं, अपने आप को मूव करते हैं, वो अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो डलका मारा के मरीज़ हैं इनको भी हरकत करने से आराम आता है और जब ये सुकून से बैठते हैं तो इनकी तकलीफ़ में ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ जिनकी किसी भी तकलीफ़ को हरकत करने से आराम आता है और फिर उनकी तकलीफ़ जो है वो सर्दियों में बढ़ रही हैं, सर्द मरतूब मौसम में बढ़ रही हैं, गर्म से सर्द हो जाने की वजह से पैदा हो रही हैं, और साथ में एक करैक्टरिस्टिक ये भी मिल जाता है कि पेशेंट जब हरकत करता है तो अपने आप को बेहतरीन महसूस करता है और जब आराम की हालत में आता है तो उसकी इलामत बढ़ जाती हैं, तो आपकी जो मेडिसिन है वो डलका मारा होगी। डलका मारा का एक और करैक्टरिस्टिक है कि रात को इसकी तकलीफ़ में ज़्यादती हो जाती है। जिस तरह आराम करने से इसकी तकलीफ़ में ज़्यादती होती है, बिल्कुल इसी तरह रात के वक्त इसकी तकलीफ़ में ज़्यादती हो जाती है। तो डलका मारा को याद करने के लिए आपको सिर्फ दो और तीन मेन करैक्टरिस्टिक खाने चाहिए, सर्द मरतूब मौसम में इलामत का बढ़ना, हरकत से आराम, सुकून से तकलीफ़ में ज़्यादती होना और एकदम गर्म से सर्द माहौल में शिफ्ट हो जाना। अब मर्ज कोई भी पाया जा रहा है, किसी भी नाम से पाया जा रहा है, लेकिन अगर ये तीन चार चीज़ें आपको मरीज़ में मिल रही हैं या एक आपको सर्द मरतूब मौसम का ही करैक्टरिस्टिक मिल रहा है तो वहाँ आप बिला झिझक डलका मारा को इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। पोटेंसी जो है वो आप 30 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, आप 200 भी यूज़ कर सकते हैं, आप 6 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। कंधों के दर्द के लिए या मस्कुलर जो वीकनेस आती है सर्दी के मौसम में कंधों के लिए, ये बिल्कुल जिल्सीमियम की तरह काम करती है। यही वजह है कि ये इस दवाई जो है फॉलेज में भी इस्तेमाल होती है। जिल्सीमियम तो खैर एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत वसी रेंज है जिल्सीमियम की, लेकिन मैं कंधों के दर्दों के हवाले से जो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि गर्म सर्द होने से या सर्द मरतूब माहौल में पेशेंट के रहने की वजह से कंधे के दर्द अगर आते हैं, गर्दन अगर अकड़ जाती है, तो जहाँ हम जिल्सीमियम को इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम डलका मारा को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत सारे करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको डलका मारा के हवाले से सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने क्लिनिकली डलका मारा की सिलेक्शन किस तरह करनी है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हर दवाई के सैकड़ों सिम्टम्स होते हैं और हर सिम्टम के ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम किसी भी मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम को या उस पॉइंट को पकड़ लें जिस पर वो मेडिसिन फोकस करती है, तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे। तो डलका मारा कहाँ फोकस करती है? डलका मारा फोकस करती है सर्द मरतूब मौसम में इलामात का बढ़ जाना। आपका आने वाला मौसम, आपका नवंबर का महीना, आपका दिसंबर का महीना, आपका जनवरी का महीना, आपका फरवरी का महीना, ये डलका मारा के महीने हैं। तो अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं जो सर्दी से तकलीफ़ उठा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम है, चाहे खांसी है, चाहे बुखार है, चाहे कोई भी मर्ज़ है, आप डलका मारा को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। शुक्रिया।